अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गुलबर्गा म्यूनसिपल इलेक्शन कल ख़त्म हुआ है। शायद आपको पता भी चल चुका है कि किस तरह से कांग्रेस को 27, भारतीय जनता पार्टी को 23, जेडीएस को 4 और एक इंडिपेंडेंट कामयाब हुआ है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता भी नहीं खुला है। यहाँ पर एक ये इलेक्शन में जो फ़ायदा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि 2013 के बाद अब ये इलेक्शन हुआ है। जब 2013 में इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को 23 और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट आए थे, अब वो बढ़कर 23 हो चुके हैं। तो यानी लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं पर भी अब जा रही है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। बहरहाल, अभी इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप भी तहकीक कर सकते हैं, लेकिन जो इत्तेलात हमें मिली है वो इत्तेलात को हम आपके सामने रख रहे हैं। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, ये आने वाले वक्त में फ़िक्र करने वाली बात है। बहरहाल, इसी बात को लेकर जनाब इरफान खादरी, जो एक सियासी लीडर भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं, वो ये सारे चीज़ों पर रोशनी डाली और ये सारे तफसीलात बताई। देखते हैं सपोर्ट। इरफान खादरी साहब, जिस तरह से जो है इलेक्शन के नतज आए हैं कर्नाटका के जो है गुलबर्गा से और हुबली में जो है और बेलगांव में MIM को वहाँ पे एक टीम मिले हैं, लेकिन गुलबर्गा से पूरा सा सफाया हो चुका है और कांग्रेस जो है बेहतरीन तरीके से लीड करी है, इसको क्या समझते हैं, आने वाले वक्त को कैसा जोड़ते हैं? देखिए साहब, ये जो गुलबर्गा का नतायज है सिर्फ ये गुलबर्गा का नहीं है, ये आने वाले वक्त के जो है देश के हालात बदलने का वक्त शुरू हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले पंजाब में हुआ था, पंजाब में भी कांग्रेस जो है एक अच्छे रिजल्ट लाई थी म्यूनसिपल इलेक्शंस के टाइम पर, अभी गुलबर्गा का इलेक्शन हुआ। अब ये देखिए, देश भर में जो है लोग सेकुलर पार्टी को वोट देना पसंद कर रहे हैं और देश की डेवलपमेंट के लिए अहम रोल जो है सिर्फ कांग्रेस, 70 सालों से कांग्रेस ही जो है डेवलप करी है। आप हर चीज़ देख लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी ले लीजिए, रोड ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, जिसमें भी आप देखना चाहे, सिर्फ एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो डेवलप करती है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चंद अपने सीट मचाने की खातिर या जो है ना अपने अपने आप को एक बड़ा लीडर बनाने की खातिर जो है हमारे हैदराबाद की एक पार्टी जो कि AIMIM है, वो सारे देश में जाकर BJP को सपोर्ट कर रही है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कर्नाटका में गुलबर्गा की आवाम का कि उन्होंने एक अपनी समझदारी का यहाँ पर जो है एक नमूना पेश किया है कि उन्होंने देखिए आप कि 27 सीट कांग्रेस को दी। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि 27 के बजाय और एक्स्ट्रा सीट आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ BJP 23 सीट जो जीती है वहाँ सेकेंड सीट पर जो है सिर्फ कांग्रेस या तो JDS है। यानी ये आप अहम बात समझिए कि कांग्रेस और JDS को जो है सिर्फ इसका मलाने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिर्फ सेकुलर वोट्स, सेकुलर लोगों को जो ना इकट्ठा होना, यानी अब ये समझ आइए रहमत साहब के देश में जो है बदलाव सेकुलर लोगों का आने वाला है, कांग्रेस पार्टी का बदलाव आने वाला है। अब वक्त वो दूर नहीं है कि भाई देश के जो हालात जो है बदलेंगे और तरक्की की राह पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। एक मैं कुछ वीडियोज देख रहा था कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का, वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का हाथ कट कर देना है, पतंग को लाना है। किसी शर्म की बात है, चंद इलेक्शन के लिए आप हार काटने की बात कर रहे हैं, यानी आप देखिए हथियार की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी RSS के ऐसी पार्टी है, आप इनडायरेक्टली जो है BJP का सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि भाई हम BJP के कितने फॉलोअर हैं। आप देखिए गुलबर्गा इलेक्शन के टाइम पे एक भी बंदा BJP की बात नहीं कर रहा, BJP हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे साहब, वहाँ फिलहाल जो है हुकूमत BJP की है जो कि गिरकर जो है ना कुछ MLS को खरीद कर लालच देकर हुकूमत में आए से लोग हैं, आप उनको टारगेट नहीं करते। तो ये असद साहब का जो है ना जो एक एजेंडा चला रहे हैं असद साहब कि हर जगह जाएंगे सेकुलर वोट को बंटवारा करेंगे और वहाँ पर जो है BJP के इख्तदार में लाएंगे। मैं आपको ना रहमत साहब थोड़ा सा सब्जेक्ट से दूर हट के बता रहा हूँ कि जिस तरह से अभी UP पे इलेक्शन होने वाले हैं, 4-5 महीने 6 महीने कुछ बचे हैं बस, इस दौरान आप वहाँ देखिए कि किस तरह से फिर BJP को ये सपोर्ट करेंगे। मगर मेरा साफ तौर पे ये कहना है पंजाब में, UP में और अब हमारे जो परसों का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर और अब
कर्नाटका में कि आप लोग समझिए कि सेकुलर वोट को इकट्ठा करें, सिर्फ कांग्रेस को जो है ना आप वोट दें या वहाँ की सेकुलर पार्टियों को वोट दें जिससे देश का विकास हो सके। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कर्नाटका की, गुलबर्गा की आवाम का कि उन्होंने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा जो है ना वहाँ पर मेयर के लिए कांग्रेस को चुना और अपोजिशन के लिए इनकी वजह से एक JDS को नहीं जाकर BJP को मौका मिला। कई जगह पर तो ये एक MIM पार्टी के जो है ना खाते भी जो है मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है इनको कुछ वोट ऐसे भी नहीं मिले कि इनकी अपनी जमानत बचा सके। तो ये हाल कर्नाटक की गुलबर्गा की आवाम का जो है दिया, और गुलबर्गा की आवाम का मैं फिर एक मरतबा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सेकुलर पार्टी को वोट दिया। क्या समझते हैं आपके अब मुद्दे जो है अब हिंदू मुसलमान का नहीं रहेगा, जिस तरह से सियासत चल रही थी तो कहाँ तक गुलबर्गा की आवाम जो है इससे हटकर अपने अपने काम का मुजाहरा किया, जिस तरह से अब डेवलप चाह रही है आवाम, उनको काम चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान बना जो है बातें चाहिए? देखिए रहमत साहब, बात यह है कि जब कांग्रेस का दौर था तो एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करता था और एक सरदार जी जो है इस देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था और उसमें होम मिनिस्टर जो है बड़े बड़े लेवल की मिनिस्ट्री हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर कांग्रेस की पार्टी को और सेकुलर पार्टी को बनाकर एक हुकूमत चलाते थे। लेकिन आज देखिए सबके पास जो है खाकी चड्डी है, आप ऊपर से लेके जाके देखिए नीचे तक सबके सब जो है ना सिर्फ RSS के लोग हैं। एक इनका एक हिंदुत्व का नाम से एक एजेंडा चला, बट ये भी हिंदुओं को भी हिंदू भाइयों को भी जो है धोखा दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो है पॉलिसी अब हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं। जो लोग ये सोच ही गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छी जो है ना सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी जो है परेशान है। यही वजह है कि फिर वापस कांग्रेस को लाने का पूरी आवाम इरादा कर चुकी है, इंशाल्लाह वापस कांग्रेस आएगी। क्या मुद्दे लेके आएंगे, देखिए साहब सबसे पहली चीज़ तो आप देखिए महंगाई से आवाम परेशान है। आप देखिए एजुकेशन में परेशान है, हेल्थ सेक्टर में देखिए माफिया बने हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखिए, और आप हर वो चीज़ में इंशाल्लाह ताला कांग्रेस जैसे ही आएगी पहले मुद्दा जो है महंगाई को रुकाने की बात करेंगी और इंडिया को जो है वर्ल्ड में जो है जिसकी हमारी अच्छी इमेज थी वो इंशाल्लाह फिर वापस जो है इंडिया की इमेज वाकई उभर के आएगी फिर कांग्रेस जब आएगी तो। क्या